हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको मैक्रम के मोबाइल होल्डर का डबल पाउच मोबाइल हैंगर बताने जा रही हूँ। बहुत ही इजी सा डिज़ाइन है और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, आप इस डिज़ाइन को जरूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगे तो जरूर मेरे वीडियोज़ को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। साथ ही मुझे फेसबुक पेज पर जरूर फॉलो करें और मेरे यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो डाल लूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए फ्रेंड्स, एक 2.5 इंच का रिंग लेंगे और उसमें हम यहाँ पे 10 कॉर्ड को कट करके अटैच कर लेंगे और सारे कॉर्ड को हम यहाँ पे 4-4 मीटर में कट करेंगे और कॉर्ड एक्स्ट्रा अगर लगेगा तो हम और कॉर्ड अटैच कर लेंगे। 2, 4, 6, 8, 10 कॉर्ड इससे अटैच होगा। अब बिल्कुल सेंटर का हम कॉर्ड लेंगे और 2 कॉर्ड में हम यहाँ एक मोती लगा लेंगे। अब एक कॉर्ड लेंगे बीच से, इसके ऊपर हम सारे कॉर्ड को पाइपिंग कर लेंगे। एक तरफ के सारे कॉर्ड को हम तिरछा इस कॉर्ड को यहीं पे छोड़ देंगे। अब हम फिर से इस तरफ वाले कॉर्ड को लेंगे, एक कॉर्ड लेंगे, इसके ऊपर सारे कॉर्ड को हम पाइपिंग कर लेंगे। दो लाइन पाइपिंग हो गया है, सेम ऐसे ही हम पूरा कंप्लीट करेंगे। 2 कॉर्ड को उधर छोड़ देंगे। अब थर्ड कॉर्ड लेंगे, इसके ऊपर 2, 4, 6, 7 कॉर्ड को पाइपिंग कर लेते हैं इस तरह से। फिर से हम एक कॉर्ड लेंगे, इसके ऊपर हम 6 कॉर्ड को पाइपिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक तरफ बन गया है, सेम ऐसे ही हम इस तरफ भी बना लेंगे। पहले एक कॉर्ड लेंगे, इसके ऊपर इस तरह से सारे कॉर्ड को पाइपिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दोनों तरफ डिजाइन बन गया है। अब इसको हम कनेक्ट करने के लिए दोनों लास्ट कॉर्ड है उसको एक दूसरे के ऊपर पाइपिंग कर लेंगे और इसको इस तरह से हम सेट कर लेते हैं अच्छे से। पहले हम एक जगह इसको डिजाइन को अच्छे से सेट कर लेंगे, एक एक कॉर्ड खींचते हुए डिजाइन को अच्छे से हमको सेट कर लेना है। अब सेंटर का 2 कॉर्ड लेना है, इसमें हम एक बीड्स लगा लेंगे और फिर साइड का 2 कॉर्ड लेकर के इससे हम सिंपल स्क्वायर नॉट लगा करके तैयार कर लेंगे। सेंटर का 4 कॉर्ड लेकर के सिंपल स्क्वायर नॉट लगा करके तैयार कर लेना है। बीच के दोनों कॉर्ड को खींच लेना है। अब बीच का डिजाइन हो गया है। अब उसके जस्ट ऊपर का हम 2-2 कॉर्ड ले लेंगे और इसको हम एक दूसरे के ऊपर पाइपिंग करेंगे। लेफ्ट कॉर्ड को राइट कॉर्ड के ऊपर 1 टाइम, फिर राइट कॉर्ड को लेफ्ट कॉर्ड के ऊपर 2 टाइम। अब ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से हमने एक ही कॉर्ड के ऊपर एक बार लेफ्ट तरफ से एक बार राइट तरफ से निकालते हुए इस तरह से मैंने इसको पाइपिंग किया है। अब हम इसको नीचे वाले कॉर्ड के ऊपर हम पाइपिंग कर लेंगे। 10 टाइम्स मैंने 10 बार इसको पाइपिंग किया है नीचे वाले डिजाइन को।
अब हम इसको बीच से जो कॉर्ड निकला था उससे हम इसको पाइपिंग कर लेंगे, इस तरह से गोल सा शेप दे देंगे। अब सेम रिपीट करना है हमको, ऊपर वाले कॉर्ड के ऊपर हम नीचे वाले कॉर्ड को एक बार दाएं तरफ घुमाएंगे, एक तरफ बाएं तरफ निकालेंगे। एक बार दाएं तरफ हम पाइपिंग करेंगे, एक बार बाएं तरफ लेकर के हम पाइपिंग करेंगे। इस तरह से यहाँ पे टोटल फोर्टीन टाइम्स हमने यहाँ पे इस डिजाइन को निकाला है। अब इस डिजाइन को भी हम सेम बीच वाले कॉर्ड के ऊपर पाइपिंग कर लेंगे। इस तरह से ये दो लाइन बन जाएगा डिजाइन। अब हम थर्ड नंबर के डिजाइन पे आएंगे। इसके लिए यहाँ का दोनों कॉर्ड लेना है और उसमें हम यहाँ पे बीच में कुछ मोती अटैच कर लेते हैं, फोर मोती अटैच कर लेंगे और ऊपर के कॉर्ड से हम उसको एक बार इस तरह से हम अटैच कर लेते हैं। एक बार बस ऐसे हमको फंसा लेना है मोती के आगे इस मैक्रम को। अब हम इसको सेम बीच का जो कॉर्ड आया था पाइपिंग वाला कॉर्ड, उसके ऊपर दोनों कॉर्ड को हम इसी तरह से पाइपिंग कर लेंगे। फोर्थ लाइन फोर्थ डिजाइन बनाएंगे। इसके लिए हम लेफ्ट कॉर्ड को राइट कॉर्ड के ऊपर से और राइट कॉर्ड को लेफ्ट कॉर्ड के ऊपर से, इस तरह से हम पूरे में डिजाइन कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे 20 टाइम्स इस डिजाइन को करेंगे। 20 टाइम्स हमको इस डिजाइन को इस तरह से करना है तो ही इस तरह का गोल सा शेप आएगा डिजाइन में। अच्छे से धागे को सेट कर लेंगे। इस तरह से एक तरफ का बन करके तैयार है। सेम ऐसा ही हम दूसरे तरफ भी सेम ऐसे बना करके तैयार कर लेंगे। एक राउंड पाइपिंग मैंने दोनों तरफ बना लिया है और एक राउंड पाइपिंग हो गया है। अब बीच से ही हम कॉर्ड लेंगे और हम दो लाइन पाइपिंग करके इस डिजाइन को तैयार कर लेते हैं। डबल पाइपिंग करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे दो लाइन पाइपिंग हुआ है। बीच से ही पहला कॉर्ड निकालेंगे, फर्स्ट नंबर का कॉर्ड, और उसी से हम दोनों तरफ पाइपिंग कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से दोनों तरफ कॉर्ड पाइपिंग हो गया है। अब हम यहाँ पे फोर कॉर्ड लेंगे और उसमें हम एक नॉट लगा लेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पे बीच का दो कॉर्ड लेंगे और साइड से भी दो, लेफ्ट साइड से दो कॉर्ड निकालेंगे और उससे नॉट बना लेंगे। उससे बीच का दो कॉर्ड लेंगे और राइट साइड से दो कॉर्ड निकाल लेंगे उसके जस्ट बगल का, और उससे हम यहाँ पे दो नॉट लगा लेंगे। अब दो नॉट के बीच में एक नॉट लगाना है। इस तरह से हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 का डिजाइन बना करके तैयार कर लेंगे। यही डिजाइन आगे कंटिन्यू होता जाएगा। पूरे में हम ऐसे ही 1 2 3 4 का डिजाइन बना करके तैयार कर लेंगे। 4 नॉट तक लगेगा। फर्स्ट लाइन में एक नॉट, फिर उसके बाद 2 नॉट, फिर 3 नॉट और फिर 4 नॉट लगा करके ये डिजाइन यहीं पे फिनिश होगा। तो यहाँ पे ये 4 लाइन डिजाइन बन गया है। ये डिजाइन जो वह है बिल्कुल बन करके तैयार है। और नीचे का पाउच बनाएंगे। तो पाउच बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 कॉर्ड का पेयर बनाएंगे। साइड से स्टार्ट करते हैं, 4 कॉर्ड का एक पेयर बनाएंगे। बीच का दो कॉर्ड लेना है और साइड के दो कॉर्ड से पाइपिंग लगा लेनी है। इस
तरह से इसी डिजाइन को हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे पाउच बनाने के लिए। पाउच बनना स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए हम यहाँ पे बीच पहले 5 नॉट लगाएं, अब हम यहाँ पे 4 नॉट लगाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं 4 नॉट ही लगा है, अब फिर से हम यहाँ पे 5 नॉट लगाएंगे। तो ये डिजाइन 5-4-5-4 का डिजाइन आगे कंटिन्यू होता जाएगा और ये डिजाइन कंप्लीट रहेगा। तो अब हम यहाँ 5 नॉट लगाएंगे, पहले मैंने इसके पहले 4 नॉट लगाया था, उसके पहले 5-5-4-5-4 का नॉट लगाते हुए हम इसको आगे पूरा जहाँ तक हम जितना हमको लंबा मोबाइल पाउच चाहिए उतना लंबा हम एक मोबाइल पाउच बना करके तैयार कर लेंगे। अभी हम 5 नॉट लगा रहे हैं। इस नॉट को लगाने के बाद इस तरह का डिजाइन होगा। यहाँ पे मैंने 5-4-5-4 का नॉट लगा के तैयार कर लिया है, ऐसे ही डिजाइन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 बना करके यहाँ के बाद 39 बना करके तैयार कर लिए हैं। हम यहाँ पाउच बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कॉर्ड को अटैच करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले छोटा सा एक कॉर्ड लेंगे, एक यहाँ पे और एक पाइपिंग के आगे वाले लाइन में बीच में हम अटैच। डेढ़ डेढ़ मीटर का 10 एक्स्ट्रा कॉर्ड को कट कर लिया है। एक कॉर्ड जो है वो 1.5 मीटर का है। इस तरह से हम पूरे में कॉर्ड अटैच कर लेंगे। सारे कॉर्ड को मैंने अटैच कर लिया है 10 कॉर्ड को। अब यहाँ 4 कॉर्ड लेंगे और उसमें एक मोती लगा लेंगे। नॉट लगा लेते हैं। बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक लाइन हो गया है। अब सेकेंड लाइन भी हम ऐसे ही करेंगे। 2 नॉट के बीच में का 4 कॉर्ड लेंगे, इसमें एक मोती लगाएंगे और 3 नॉट लगा लेते हैं। साइड का देखिएगा, इसके ऊपर का जो लाइन है सेकेंड वाले हुक से ले जाएंगे और एक हुक गैप करके फोर्थ वाले हुक से हम इसको आगे की तरफ लाएंगे। इस तरह से इसको भी हम ले जाते हैं कॉर्ड को। फिर हम सेकेंड लाइन बना करके तैयार करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड लाइन में दोनों कॉर्ड मैंने दोनों तरफ से निकाल लिया है। अब हम इसको एक कॉर्ड इधर से और एक कॉर्ड इस नॉट कर लेंगे और इस तरह से हम आ रहा है यहाँ पे। तो
इसमें हम पोजीशंस का फिर से सेट कर लेंगे, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेंगे जिससे कि ये फिर से बंद जाएगा। अब यहाँ पे ये ठीक आ रहा है क्योंकि यहाँ मोती भी लग रहा है, इसलिए मोती लगने के कारण थोड़ा सा गैप बढ़ रहा है। इससे से थर्ड लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, थ्री लाइन बन गया है। अब हम यहाँ पे नीचे का दो कॉर्ड लेंगे, फोर कॉर्ड, और ऊपर का फोर कॉर्ड लेंगे, और नीचे के दो कॉर्ड से लेकर के हम यहाँ पे नॉट लगा लेते हैं। एक नॉट लगा लेंगे, ऐसे ही हम पूरे में कर लेते हैं। ऊपर का फोर कॉर्ड ले लेंगे, नीचे का फोर कॉर्ड। इधर से हम कर लेते हैं, ऊपर का जो दो कॉर्ड है ये कट करके और इसको स्टिक कर लेते हैं। यहाँ पे हम फोर कॉर्ड ले लेते हैं, फोर कॉर्ड से हम नॉट लगा लेंगे। जो लंबा लंबा कॉर्ड है उसको आप रहने दें यहाँ पे, और फिर से पीछे में नीचे में जो दो कॉर्ड बच गया है उसको हम कट कर लेंगे, इसको हम इस तरह से मेल्ट कर लेते हैं। इसमें भी ऐसा ही कर लेंगे, साइड के दो कॉर्ड को कट कर देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 नॉट हो गया है, सारे कॉर्ड को कट करके स्टिक कर दिया गया है पीछे। अब हम ऐसे ही 5 नॉट है तो 4 3 2 1 का नॉट बना करके तैयार करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने 5 4 3 2 1 का नॉट बना लिया है। ऊपर का एक कॉर्ड लेंगे, इसके ऊपर सारे कॉर्ड को हम तिरछे में पाइपिंग कर लेते हैं। अब जैसा डिजाइन ऊपर था सेम वैसे ही हम, देखिए फ्रेंड्स, जैसा डिजाइन हमने यहाँ बनाया था सेम वैसे डिजाइन हम यहाँ भी बना के तैयार कर लेते हैं।
जैसे यहाँ है सेम वैसे ही हम यहाँ भी बना करके 10, 14 और फिर यहाँ मोती और फिर यहाँ 20 टाइम्स इस तरह से डिजाइन बना के ऊपर का ये डिजाइन बना करके तैयार करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये वाला डिजाइन बना लिया जैसे हमने यहाँ बनाया था। अब उसके बाद आगे कोई नया डिजाइन नहीं है, बस हमको बस ये वाला स्टेप करना है और ये वाला पाउच यहाँ तक बना करके तैयार करना है। सेम ऐसे ही डिजाइन हम यहाँ भी बना लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने यहाँ पे सेम बनाया था, देखिए यहाँ ये वाला डिजाइन है, ये वाले जो डिजाइन है वो ये वाले हैं, और उसके बाद ये जो डिजाइन था उसको हमने यहाँ पे किया। अब ये वाला डिजाइन यहाँ डबल पाइपिंग है तो यहाँ भी डबल पाइपिंग है। अब फिर ये वाला डिजाइन बनेगा यहाँ पर, और फिर इसके नीचे जैसे यहाँ पे ये पाउच बन के तैयार हुआ, आगे पीछे से ऐसे ही पाउच बना करके हम यहाँ भी तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से डबल मोबाइल पाउच जो है वो बिल्कुल बन करके तैयार हो जाएगा। सेम ऐसा ही हम यहाँ पे एक इसी तरह से हम कर लेंगे, यहाँ तक पूरा लाइन बना करके तैयार कर लेते हैं पाउच तक। देखिए फ्रेंड्स, नीचे भी मैंने यहाँ पे ऊपर वाले कॉर्ड को इस तरह से अटैच कर लिया है। अब इस तरह से नीचे का भी पाउच बन गया है। अब हम ऊपर का जैसे हमने किया था, साइड का दोनों कॉर्ड कट करके उसको स्टिक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ नीचे में बेल्स नहीं लगा करके मोती लगाया है, आप चाहें तो बेल्स भी लगा सकते हैं। अब हम ऊपर का जो डिजाइन है, ये जो खाली रिंग है, इसको हम पाइपिंग कर लेते हैं। तो वेस्टेज में से ही हम एक कॉर्ड ले लेंगे। यहाँ पहले हम एक मोती लगा लेते हैं, मैं यहाँ मटका मोती यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो बड़ा वाला मोती भी यूज कर सकते हैं। एक बार रिंग के ऊपर से, एक बार रिंग के नीचे से। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने बहुत ही इजी डबल पाउच मोबाइल हैंगर को बना करके तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगे, जरूर मेरी वीडियोस को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मुझे कमेंट करना ना भूलें, साथ ही मुझे फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें और मेरे यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।